इतना बड़ा एक तरीके से झूठ बोला गया है। आप बात करते हो कि डे वन दिखाएंगे एलियन ने जब अटैक कर दिया, लेकिन वो कहीं से भी ऐसा नहीं लगता है मूवी देखकर। तो आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे एक क्वाइट प्लेस डे वन मूवी के बारे में। इसको आप बुक माई शो के ऊपर देख सकते हो, लेकिन 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 फर्स्ट ऑफ ऑल ये वीडियो पूरी देख कर जाना कि मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। इसकी जो लेंथ है वो 1.5 घंटे के आसपास है। मूवी कितनी ज्यादा हमारी उम्मीदों पर खरी उतरती है या नहीं, इसके ऊपर जाने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी कहानी की हम चर्चा कर लेते हैं। अगर आपने 2018 में एक क्वाइट प्लेस जो मूवी आई थी वो देख रखी है, और फिर 2020 के अंदर इसका सेकंड पार्ट आया था एक क्वाइट प्लेस पार्ट 2, अगर वो देख रखा है तो आपको इसकी कहानी यानी कि जो नई वाली मूवी है एक क्वाइट प्लेस डे वन, इसको समझने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी जिन्होंने नहीं देख रखी है उनके लिए थोड़ा बहुत कहानी का रेफरेंस मैं दे देता हूं कि देखो धरती के ऊपर एलियन का अटैक हो जाता है जो अंधे होते हैं, मतलब उनकी आंखें नहीं है लेकिन उनकी सुनने की पावर बहुत ज्यादा तेज है। अब वो जैसे जैसे इंसान शोर करते हैं उनको मारते चले जा रहे हैं, और एक सैम नाम की एक लड़की है जिसके जो काफी ज्यादा बीमार है, जिसके माध्यम से इसकी कहानी को हमें दिखाया गया है। वो मरने की हालत में है सैम, और अपने आप को वो घिरा पाती है इन एलियंस के बीच में। उसके साथ एक बिल्ली भी है, वो कैसे अपने आप को और अपनी बिल्ली को बचाती है, इसके लिए तो देखो आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। अब मूवी कितनी ज्यादा अच्छी है, कितनी ज्यादा इसके अंदर कमियां है, उसके ऊपर आते हैं। देखो जो पहले वाली जो मूवी आई थी 2018 के अंदर और 2020 के अंदर वो काफी ज्यादा बढ़िया रही थी। फर्स्ट वाली मूवी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई थी। हाँ, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट कम हो गया था सेकंड वाली मूवी के अंदर, बट ओवरऑल अगर बात करूं तो दोनों मूवी काफी ज्यादा बढ़िया थी। अब ऑब्वियसली इसका नाम सुनकर जब इसका ट्रेलर आया था क्वाइट प्लेस डे वन, तो मुझे लगा कि यार इसके अंदर बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। एक तरीके से जो एक हॉरर जो फील किया था फर्स्ट और सेकंड मूवी के अंदर, एक बहुत बढ़िया हमारा तजुर्बा रहेगा इसकी थर्ड मूवी को लेकर, लेकिन वो सब चीजें नहीं है। एक तरीके से ऐसे समझो जो मेकर्स हैं उन्होंने जनता का इसी चीज का फायदा उठाया है। उन्होंने स्क्रिप्ट पे काम ना करके बस इसलिए फोकस किया इस मूवी को बनाने के कि पैसा कमाया जा सकता है। सबसे बड़ी शिकायत जो रही है इस मूवी की, आपने नाम तो रख दिया डे वन, लेकिन आप उस डे वन के अंदर दिखाई क्या रहे हो? एलियन भाई साहब अटैक कर रहे हैं तो लोगों का रिएक्शन कैसे होता है, गवर्नमेंट का रिएक्शन कैसे होता है, मिलिट्री कार्रवाई कैसे करती है, उनके पास इतने बड़े बड़े हथियार हैं वो यूज करते हैं या नहीं करते, ये जनता देखना चाह रही थी। लेकिन नहीं, जनता तो एक तरीके से उनके साथ धोखा ही हो गया है। जो मूवी देखने गए हैं उनको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। सैम का जो करेक्टर वो काफी ज्यादा बीमार है, आपने उसको बीमार दिखाया है क्यों, क्या उसके पीछे रीजन था, ऐसा कुछ उसके अंदर नहीं देखने को मिलता। जो एक बिल्ली है पूरी मूवी के अंदर वो चू तक नहीं करती, मतलब वो म्याऊ तक नहीं करती है मूवी के अंदर। इसकी फर्स्ट मूवी और इसकी सेकंड मूवी वो बहुत ज्यादा बढ़िया है एज कम्पेयर टू इसकी थर्ड मूवी से। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक जैसे मैंने कहा इसका यही है कि आपने हमें जो इन्फो में देनी थी कि डे वन है, डे वन के अंदर जो अटैक हो रहा है एलियंस का धरती के ऊपर, तो वहां पर जो उनकी इन्फॉर्मेशन हमें मिलनी चाहिए थी कि यार इनको सुनाई दे रहा है, बहुत ज्यादा इनकी सुनने की पावर बहुत ज्यादा तेज है, ये देख नहीं पा रहे हैं। ये कैसे पता चला? बस जैसे ही अटैक हुआ उसके 1-2 घंटे बाद या कुछ टाइम के बाद ही लोगों को समझ में आ गया कि हाँ यार इनको सुनाई दे रहा है बहुत ज्यादा तेज, ये देख नहीं पा रहे हैं। यार ये कैसे मुमकिन हो सकता है? आपने कोई उनके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट किया या फिर कैसे पता चल गया? बस लोगों को बता दिया कि हाँ यार इनको समझ लेना कि देख नहीं पा रहे हैं, इनकी सुनने की पावर बहुत तेज है, और जनता ये मानकर बैठ जाएगी। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है यार इस मूवी के अंदर। एलियन कहां से आए, क्या उनकी कमजोरी है, क्या उनकी पावर है, कैसे उनको कंट्रोल किया जाना चाहिए, इतने सारे चीजें जो थी वो दिखानी थी, लेकिन ये सब चीजें ना दिखाने के कारण मूवी हमें बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट करती है। ये होगी इस मूवी की कमियां। अगर इसके अंदर अच्छी अच्छी बातों की बात करूं तो एक परफॉर्मेंस जो मुझे अच्छी लगी, सैम का जो करेक्टर है मुझे वो काफी ज्यादा पसंद आया, जो उनकी परफॉर्मेंस रही है। इसके अलावा देखो कुछ एक सीन इस मूवी में जो है हॉरर वाले हैं, हाँ ठीक है उनको देखकर थोड़ा बहुत डर लग जाता है, लेकिन कुछ कुछ ही सीन है, बहुत सारी सीन इस मूवी के अंदर जो हमें इरिटेट करते हैं। मेरी तरफ से तो देखो इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 3/10। अगर हिंदी डबिंग की बात करूं तो वो मुझे ठीक ठाक लगी, बाकी कोई इतने ज्यादा सीन इसके अंदर वॉयलेंस नहीं लगा मुझे यार, जो मूवी डिजर्व करती थी यार, वाकई में उन चीजों का होना चाहिए था। अगर आप लोगों ने मूवी देखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को मूवी कैसी लगी, और नहीं देखी है तो मैं इसकी दोनों वाली जो पहली वाली 2018 और 2020 में जो मूवी आई थी उन्हीं को रिकमेंडेड करूंगा, वो मूवी बहुत ज्यादा बढ़िया है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो जाकर उन मूवी को देखो, इस मूवी को देखने की वैसे कोई जरूरत है भी नहीं। बस आज के लिए इतना था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।